दोस्तों जो कम से हम पढ़ेंगे उसका नाम है कृष्ण और नकली वासुदेव। ये देखते हैं फोन बना और नकली वासुदेव। कृष्ण और नकली वासुदेव। पुंडू देश के शक्तिशाली किंतु मामूर्ख राजा वासुदेव के दरबार में एक दिन मगधराज जरासंध का दूत आया। सम्राट जरासंध के प्रिय मित्र शिशुपाल विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी से विवाह करने वाले हैं। सच यह तो बहुत शुभ संदेश है। राजकुमारी अनुपम सुंदरी है। महाराज को आशंका की कहीं यादव कृष्ण कुछ उपद्रव न खड़ा कर दे। वे चाहते कि सभी मित्र राज्य युद्ध के लिए तैयार होकर आए। क्या रुक्मी ने अपनी बहन शिशुपाल को बहने का वचन नहीं दिया था इसलिए सोमवार नहीं होगा। लेकिन उस यादव का क्या भरोसा, कहीं वही रुक्मणी से विवाह करना चाहे तो मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। वासुदेव अपनी सेना के साथ विदर्भ पहुंचा। जरासंध भी अन्य मित्र राजाओं के साथ वहां मौजूद था। वासुदेव का भिन्न मित्र काशीराज भी आया था। सब ठीक चल रहा, कृष्ण के आने की हिम्मत ही नहीं हुई। आ भी जाए तो हम उसे राजकुमार की छा भी नहीं छूने देंगे। शिशुपाल और महाराज जरासंध की आन रखना हमारा धर्म है। दूसरे दिन रुक्मणी भी वापुरु की पूजा के लिए मंदिर गई थी। बार शिशुपाल तथा सभी मित्र राजा उसी प्रतीक्षा में खड़े थे। उसके आगमन पर सभी उसे पलक देखते रह गए। ऐसी गजब की सुंदरता देखकर वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। एकाक न जाने कहां से कृष्ण अपने रथ में प्रकट हुए। रुक्मणी को रथ पर खींचा और ले भागे। इसे रोको, वह राजकुमार को हर ले गया। उन्हें क्या पता था कि राजकुमार ने स्वयं कृष्ण को भरा था। वह उसी की योजना थी। सम्राट जरासंध के मित्रों ने कृष्ण का पीछा किया। कृष्ण के बलवान भाई बलराम ने उन्हें रोका। सम्राट के शिशुपाल को सांत्वना देने की कोशिश की। शिशुपाल निश्चिंत रहो, हम इस अपमान का बदला लेकर आएंगे। सम्राट जरासंध बदले की योजना बनाने लगे। वासुदेव निराश मन से अपनी राजधानी लौट आया। वह अकेला था, हम इतने सारे थे, फिर भी हमारे आंखों के सामने रुक्मणी को ले भागा। उसके दरबारी चिंतित थे। ऐसे कैसे चलेगा, राजा यूं उदासीन रहेंगे तो शत्रुओं पर आक्रमण कर देंगे, प्रजा गुलाम बन जाएगी। यह सब उस कृष्ण की करतूत की वजह से हुआ है। तुम्हारा आश्रम मथुरा के वसुदेव के पुत्र से, जिसे वासुदेव भी कहते हैं। हाँ वही लोग उसे भगवान विष्णु का अवतार समझकर पूछते हैं, इसलिए वह इतना घमंडी हो गया है। अचानक एक दरबारी ने चुटकी बजाई। मुझे एक युक्ति सूझे, क्यों न हम यह प्रसारित करें कि भगवान के असली अवतार हमारे राजा वासुदेव है, कृष्ण तो नकली वासुदेव है। असंभव, हम हमारे राजा ही इस पर विश्वास नहीं करेंगे। हमें तो लोगों को विश्वास दिलाना है, फिर तो राजा भी यही मानने लगेंगे। बस देखते देखते उनमें आत्मविश्वास जाग जाएगा। दरबारी कार्यरत हो गए। असली वासुदेव हमारे राजा है, कृष्ण तो नकली वासुदेव है, सब बकवास है। हमारे राजा भगवान विष्णु के अवतार वासुदेव है, कृष्ण तो ठग है। ऐसा क्या है, सच है? यही सच है, कृष्ण कपटी है। भगवान विष्णु के अवतार तो हमारे राजा है। शीघ्र भगवान वासुदेव की जय हो। हे सर्वशक्तिमान, हमारी पूजा भक्ति स्वीकार करो। क्या कुछ समय बीतने पर, क्या मैं सचमुच भगवान विष्णु का अवतार हूँ? इतने लोग गलत नहीं हो सकते, मैं ही भगवान का अवतार हूँ। मूर्ख राजा सब को सचमुच भगवान समझने लगा और वासुदेव कृष्ण के वेश में रहने लगा। उस सलिया यादव की हिम्मत देखो, खुद को वासुदेव कहता है और वह दूर मेरा चक्र और चिन्ह धारण करता है। एक दिन द्वारका जाकर कृष्ण को यह संदेश दो। द्वारका में कुछ दिन बाद प्रभु पुंडू देश के राजा वासुदेव का दूत आपसे भेंट करना चाहता है, ले आओ उसे। मेरा नाम धारी है, राजा तो जरासंध और शिशुपाल का मित्र है, उसने दूत क्यों भेजा भला? तभी कृष्ण को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। भगवान विष्णु के अवतार हमारे राजा ने कहा है, मूर्ख पुंडू देश आकर मेरा सुदर्शन चक्र वापस कर दे। मेरे नाम और चिन्ह पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरी शरण में आएगा तो तुझे अभयदान मिलेगा।
कृष्ण को मजा आया। अच्छा यह बात है, वासुदेव को देवता बनने की सूझी है। वासुदेव को मेरी तरफ से कहना, दूध जब पुंडू वापस आया, क्या कहा उसने, आग बबूला हुआ होगा? नहीं प्रभु, उसने कहा आज्ञा अनुसार वह तुरंत हाजिर होगा। वह चक्र तथा ने सभी चिन्ह आपको लाकर सौंप देगा और एक बार आपकी शरण में आने के बाद फिर उसे आपसे किसी बात का भय नहीं रहेगा। कमाल है, इतनी आसानी से कृष्ण मान गया, सचमुच मैं बड़ा भाग्यवान हूं। पर उसे दरबारी समझदार थे, मुझे उस यादव पर जरा भी विश्वास नहीं। हाँ उसकी पत्नी और कन्नी में बड़ा भेद होगा। काशीराज के पास दूध बेचकर उसकी सलाह लेनी चाहिए। देवराज इंद्र तक उनसे डरते हैं। काशीराज ने जब सब बात सुनी, पुंडराज वासुदेव कभी नहीं समझेगा कि यह क्या कर बैठा है। जिसने महाराज जरासंध तक को झुका दिया, वह भला छोटे से राजा को शरणागत बनेगा? निश्चित ही पुंड नरेश को हमारी सहायता की जरूरत पड़ेगी। बेहतर होगा कि मैं सेना के साथ वहां चला जाऊं। उसने अपने पुत्र सुदक्षिण को भी बुलाया। कृष्ण को उसकी औकात बतानी होगी, मैं पुंड नरेश की सहायता के लिए जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में तुम राज्य की देखरेख होशियारी से करना। उधर अपना चक्र गदा और धनुष लेकर कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर पुंडू के रवाना हुए। जब कृष्ण नगर के निकट पहुंचे, पुंडू का वासुदेव मेरा आशय समझ गया लगता है। निकट आने पर कृष्ण ने देखा वासुदेव ठीक उन्हीं जैसा वेश धरे था। कृष्ण हंस रहे थे तभी आक्रमण होने लगा। देखते देखते सैनिकों घोड़ों और हाथियों की लाशों से धरती पट गई। वासुदेव तुम्हें मेरे चिन्ह चाहिए थे ने? लो मैं देने को राजी हूं, यह रहा सुदर्शन चक्र और यह लो मेरी गदा। इसके बाद तुम्हारी पताका में विराजने को गरुड़ आएंगे। कृष्ण को यो आत्म समर्पण करते देख वासुदेव चकित रह गया, लेकिन काशीराज का माथा ठनका। होशियार वासुदेव, उसका कोई भरोसा नहीं। वह चेतावनी देर से मिली कृष्ण की गदा के एक बार से वासुदेव धरती पर औंधा गिरा। दूसरे पल सुदर्शन चक्र ने उसकी गर्दन उड़ा दी, वासुदेव निर्जीव हो गया। उसकी पताका के गुरु की कृष्ण के गुरु ने धज्जियां उड़ा दी। कृष्ण जाने लगे कि काशी नरेश ने टोका, शाबाश कृष्ण, लेकिन यह मत भूलो कि मैं अभी जीवित हूं। कपटी मुझे यह युद्ध क्यों नहीं करता? जो में कृष्ण केवल मुस्कुराए और धनुष खींचकर एक तीर छोड़ दिया। दूसरे पल काशी नरेश से धड़ से अलग हो गया, किंतु तीर की गति इतनी तेज थी कि सिर उसको बिंदा हुआ दूर चला गया और शून्य में विलीन हो गया। विजेता कृष्ण का द्वारका लौटने पर जाने पड़े और हर्षो उल्लास के साथ स्वागत किया। उधर काशी नरेश का सिर लिए तीर हवा में उड़ता हुआ काशी के राजमहल के द्वार पर आकर गिरा। हमारे राजा का वध हो गया, हाय हाय! लोगों का क्रंदन सुनकर काशी नरेश का पुत्र सुदक्षिण बाहर आया। जरूर यह द्वारका के कृष्ण की करतूत है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजपुरोहित के साथ सुदक्षिण ने एक यज्ञ किया। अचानक हवन की अग्नि शिखा ऊपर उठी और उसमें से एक राक्षसी प्रकट हुई, जिसके केशों में से आग की लपटें लपलप आ रही थी। क्रोध में गरजती हुई वह द्वारका की ओर उड़ गई। उधर द्वारका में कृष्ण रुक्मिणी के साथ चौपट खेल रहे थे। अचानक, प्रभु हमें बचाइए, द्वारका की ओर एक भयंकर पिशाचनी भागी आ रही है। वह गरज रही है कि सारी द्वारका और द्वारका वासियों को जलाकर राख कर देगी। चिंता मत करो, आराम से घर जाओ, किसी का बाल भी पाका नहीं होगा। कृष्ण चौपट का खेल अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने चक्र से कहा, जाओ सुदर्शन, उस सुलगते बालों वाली राक्षसी का वध कर दो। तेज घूमता हुआ चक्र तुरंत आज्ञा पालन के लिए चल दिया। सुन, राक्षसी ने जैसी चक्र की आवाज सुनी, यह तो शक्तिशाली सुदर्शन चक्र, भागू। राक्षसी मुड़कर भागी पर चक्र ने उसका पीछा नहीं छोड़ा।
सुदक्षिण का नगर आ गया, उसी ने मुझे द्वारका भेजा था, अब मैं उसी को नष्ट करूंगी। उधर अपनी सेना के साथ सौम सुदक्षिण सुदर्शन चक्र का मुकाबला कर रहा था, किंतु व्यर्थ। सुदर्शन चक्र ने चारों ओर से मारकाट मचा दी थी। जब सुदक्षिण का अंतिम सैनिक भी मारा गया तो सुदक्षिण मैदान छोड़कर महल की ओर भागा। उधर राक्षसी भी महल तक पहुंच गई थी। तूने मेरा अपमान कराया, तुझे मरना ही होगा। सुदक्षिण अपने प्रयास से प्रकट की गई राक्षसी द्वारा ही मारा गया। अचानक अरे मेरा पीछा करता हुआ यह सुदर्शन चक्र यहां भी आ पहुंचा। चक्र जैसे ही पास आया राक्षसी भागकर बस्ती में घुसकर छिप गई। पर जल्दी चक्र सारे महल में चक्र काटने लगा। राजा की घुड़साल, गौशाला, राजकक्ष, अनाज के भंडार और बाजार, सारी की सारी काशी नगरी दूध धोकर जलने लगी। उसी आग में राक्षसी भी जल मरी। फिर देखता हुआ सुदर्शन चक्र तीव्र गति से चारों ओर घुमा, फिर सरपट द्वारका के राजमहल की ओर दौड़ दौड़ चला और कृष्ण की उंगली में शांत होकर बैठ गया। तो दोस्तों एक कम सही पे समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।